सोनपुर मेला के दूसरे ब्लॉक में आप सभी को स्वागत है। तो भैया पूरा अभी आप लोग को फर्स्ट ब्लॉक में तो देखे कैसा मेला था, लेकिन इस मेला का जो सबसे मेन चीज़ है वो चीज़ आप लोग को दिखाते हैं इस ब्लॉक में, जो इस मेला का भैया मेन जगह है वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। भैया 50 रुपया लगा, 50 रुपया ना, यहाँ पे देखिए बाहर में भी लिखा हुआ है, तो आपको कुछ यहाँ पे ज्यादा लेंगे नहीं, जितना लिखा हुआ है उतने लेंगे, ले लिए टिकट और जाएंगे अब अंदर। चेक करो एक, और टिकट रख लिया, उसके बाद जाइए यहाँ करेंगे पहले फोटो शूट। हाँ मेरे साथ तो कोई फोटो शूट करवाने वाला ही नहीं है, तो क्या करवाएं बताइए आप। बना कैसे देख सकते हैं कितना काफी ज्यादा सुंदर बना हुआ है, और इधर यहाँ पे सारा बजरंगबली जैसा जैसा बनाया गया, गया में तो भैया गुफा जैसा बना हुआ है, लेकिन ये पहाड़ जैसा लगभग 80 फीट से भी ऊंचा ज्यादा बनाया गया है, और इधर देख रहे पानी गिर रही है और यहाँ पे बजरंगबली। तो चलिए पूरा एकदम गुफा का आनंद दिलवाएंगे आप लोग को। चलिए भैया पूरा एकदम देंगे आपको वैष्णो देवी बिहार का एकदम घुमा, जैसे बिहार में बन रहा है भैया, इतना ज्यादा विकसित हो रहा है हमारा बिहार, तो लाइक कीजिए। हम आए अकेला इसीलिए भैया को फोटो किससे करवाएं बताइए, कोई नहीं है दोस्त भी रहता तो एक रहता है ना थोड़ा मोटिवेशन। सोनपुर का मेला का व्यू तो भैया यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगा, इधर भी देखिए फोटो शूट करवा सकते हैं, लेकिन गया में फोटो शूट नहीं करने देता था ये, लेकिन गलत होता था सबसे ज्यादा। देख रहे किस तरह बनाया गया है, कितना काफी ज्यादा सुंदर बनाया गया है ये भैया, सिर्फ वैष्णो देवी का गुफा इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा, एकदम पूरा एक से एक आप लोग को सीन यहाँ से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मेला का भी व्यू देख सकते हैं, थोड़ा आईफोन रहता तो क्वालिटी बेस्ट आप लोग को देखने को मिलता, लेकिन भैया जो है उसी में खुश रहना चाहिए इंसान को, सही बात। और माँ चाहेगी तो भैया जल्दी से ले भी सकते हैं, और आप लोग चाहेंगे तो बहुत ही जल्दी ले सकते हैं। ये गुफा में कपल लोग आइएगा तो और आनंद उठाइएगा, हम तो अकेला हैं। जय माता दी। बिहार में दूसरी बार बनाया गया है वैष्णो देवी का गुफा, और गया वाला तो भैया आप लोग देखे किए होंगे, नहीं देखे होंगे तो वो वाला भी लिंक मिल जाएगा आप लोग को। रोटेट होना पड़ता है, देख रहे हैं पूरा घूम के भैया एकदम किस तरह, और बनाया गया है किस तरह लकड़ी का, पूरा एकदम लकड़ी का, ये जो है इस पर मिट्टी दिया गया कलर वलर जैसे अच्छा लगे देखने में। और देख रहे हैं किस तरह गुफा भैया ये, तो आप बताइए हम अकेला घूम रहे हैं इस गुफे में, कोई नहीं है, ये गुफा में सिर्फ हम अकेला जा रहे हैं, देख रहे हैं अकेला शेर दहाड़ रहे हैं। जय माता दी। पूरा गुफा भैया खाली है। चलते चलते भैया पहुंच चुके हैं माँ के दरबार, और यहाँ पे देख सकते हैं फोटो भी शूट करवा सकते हैं, लेकिन गया में फोटो शूट नहीं करवाने देते थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा गलत हुआ था वहाँ पे, क्योंकि बिहार में भैया माँ वैष्णो देवी का गुफा बना हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार इतना ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रहा है। तो चलिए जय माता दी, आप लोग भी माँ का दर्शन कीजिए घर बैठे हुए। माता रानी का दर्शन करने के बाद भैया इस गुफा में अब लगता है बाहर निकलवा देगा, इधर वाला ज़्यादा लाइट, हाँ सही बाहर ही निकलवा दिया। कैसा लगा भैया ये गुफा के अंदर जाने के बाद और माता रानी के दर्शन करने के बाद, देख रहे किस तरह बनाया गया, कितना काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया गया ऊपर में भी। माता रानी का दर्शन करने के बाद लास्ट में बाबा भैरव का जो दर्शन करते, देखिए यहाँ पर बना हुआ उनका गला सिर्फ छोड़े सॉरी। अब चलेंगे भैया सीधे की उतरवा देगा, यहाँ इधर से व्यू देख रहे हैं, झूला वूला लगा हुआ है, अभी झूला चालू नहीं हुआ है क्योंकि अभी भीड़ तो भैया धीरे धीरे आएगा ना, सब एक ही दिन आ जाएगा तो मज़ा तो नहीं आएगा। और लेकिन अभी भी वैष्णो देवी की गुफा में अभी भीड़ देखने को नहीं मिल रहा है जितना भीड़ रहना चाहिए, बट धीरे धीरे होगी। इधर भी देखिए बाबा भोले का इधर शिवलिंग बना हुआ, इधर बाबा अमरनाथ का बना हुआ, और बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के बाद सीधा इधर मेला का व्यू देखिए। दर्शन करने के बाद भैया सीधे डाउन हो जाइए, डाउन होने के बाद कहा सीधे बाहर निकल जाइए, आपका कितना देखिएगा अभी उस तरह मेला भैया पूरा सजा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक दो दिन में देखिएगा भीड़। इधर देखिए पूरा ऊंचा, इधर से ऊंचा होके फिर डाउन हो जाइएगा, इसके बाद धीरे धीरे बाहर की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे भैया, लेकिन बना हुआ गजब का है, ऐसा ऐसा कलाकार को भैया सैल्यूट करना चाहिए कि इतना हम लोग का मनोरंजन करवा रहे हैं। देख रहे हो एकदम लकड़ी का बना हुआ है, थोड़ा इसको टाइट टूट ना जाए, लेकिन इसीलिए ज़्यादा लिमिट रखा होगा कि इतना लोग मतलब आ सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि भैया लिमिट से ज़्यादा भी थोड़ा रिस्क है ना,
क्योंकि जो लकड़ी भी है पूरा मजबूत लकड़ी नहीं लग रहा है, लेकिन गजब का देख रहे हैं पूरा किस तरह ये दिया गया, मट्टी है कि चूना है देख रहे हैं, हाथ में भी लगा हुआ देख रहे हैं, और किस तरह बनाया गया गजब। इधर वाला व्यू देख रहे हैं गजब का, एकदम तगड़ा व्यू लग रहा है भाई। कपल फोटो खिंचाते हुए सीधा एकदम निकल गए बाहर।